नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल P24 न्यूज एक्सप्रेस। आइए करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। तिलक समारोह में शामिल होने आई चार लड़के, यमुना नदी में डूबी दो के शव बरामद। पानी में खड़े होकर सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। सेल्फी ले रही तीन लड़कियों को डूबता देखता चौथी लड़की बचाने के दौरान नदी में डूबी। चार लड़कियों के नदी में डूबने से सूचना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद, गोताखोरों की ली जा रही मदद। गोताखोरों की मदद के दो शव बरामद, दो शव की तलाश। आयना थाना क्षेत्र में फरीहा ग्राम की घटना। औरैया से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। गाँव को आदमी जाना थे, एक दूसरे को बचाए गए, चली गई। औरैया भाजपा सरकार व जिला प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का समय जैसे जैसे निकट आता जा रहा है, वैसे ही सपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा से जीत कर सदस्य का ताज पहने जिला पंचायत सदस्यों पर भाजपा के इशारे पर नाच रहे जिला प्रशासन द्वारा नाहक प्रशासन किया जा रहा है। इसी बात को आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत वर्तमान सपा जिला अध्यक्ष समेत सपाइयों ने भाजपा सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरते हुए जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी भी दे डाली कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो अधिकारी आज सपाइयों को परेशान करते हुए घरों की माप जो कर रहे हैं, सपा सरकार आते ही उनके भी घरों की नाप जो की जाएगी। यूपी के औरैया जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 23 जिला पंचायत सदस्य में से 13 सदस्य सपा के तथा भाजपा के 5 सदस्य जीते, तो वही भाजपा से 5 जीतकर सामने आए हैं। वर्तमान समय में सपा के खुद के 13 सदस्यों के होने से भाजपा के मात्र 5 सदस्य होने का एक तरफा चुनाव जीतने की अटकलों पर विराम लगाते हुए सपा ने भाजपा सरकार के इशारों पर नाचने वाली जिला प्रशासन के साथ भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा जिला अध्यक्ष ने वर्तमान सरकार के इशारों पर नाचने वाले जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि जिला प्रशासन लगातार सपा के सदस्यों को नाहक परेशान कर रहे हैं। सदस्यों को परेशान करने के लिए सिर्फ सदस्यों के ही घर मकान पका नोक झोंक किया जा रहा है और झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन नहीं माना तो सपाई इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। और जिला प्रशासन को चेताते हुए सख्त हिदायत भी दे डाली कि सरकारें तो आती जाती रहती है, सरकार के आते ही सभी अधिकारियों के घरों का भी हिसाब लिया जाएगा, अधिकारियों के घरों की नाप जोक की जाएगी। सपा कार्यालय में पूर्व सांसद प्रेम शंकर कोठारिया, पूर्व सांसद विधायक प्रदीप यादव समेत जिला अध्यक्ष राजवीर समेत पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई सफाई कार्यकर्ता मौजूद थे। औरैया से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। कर रहा है प्रशासन जिला पंचायत सदस्य BDC मेंबर तक पे दबिश दे रहा है, पुलिस खुद गई। परसों एक BDC मेंबर के यहाँ पुलिस ने दबिश दी बबुआ के, ऐसी BDC मेंबर लड़के बच्चों से छोटे छोटे उसके बच्चे थे, वो भाग के बाहर निकल गए। प्रशासन चूक सेमीफाइनल जो हुआ जिला पंचायत का चुनाव, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती, और जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई सेमीफाइनल, उन्होंने संदेश दे दिया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। तब उन्होंने जाके खुद प्रशासन ने और सरकार ने नीचे अधिकारियों से कह दिया कि चाहे कुछ हो जाए, हमें इमेज अपनी अब की बार बनानी है किसी तरह, चाहे जैसे जीतो, चाहे STM का, चाहे पुलिस का बल्ले प्रयोग, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख हमारे जिता के दो। तो प्रशासन बुरी तरह लग रहा है, यहाँ तक कि इतिहास में आज तक कभी इतनी गंदी राजनीति किसी पार्टी ने नहीं की। महिलाएं तक तैयार की जाती हैं बड़े नेताओं पर झूठे मुकदमे लिखाने के लिए। इतनी कुत्सित, इतनी खराब राजनीति इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। और किस नेता पे कब कौन सा मुकदमा लग जाए ये भी पता नहीं। आप पता कर लेना, हम बधाई देते हैं आप सब लोगों को कि लुलूगंज के एक चकवा समाज का वृत्त है ललू, उसके यहाँ SDM CO साहब पूरा फोर्स लेके मशीन लेके उसका घर गिरवाने को पहुंच गए।
लेकिन वहाँ आपके पत्रकार लोग पहुँच गए वीडियो बनाने लगे तो उन्होंने ये पूछ दिया क्या इन्हीं का मकान इन्हीं का चबूतरा बड़ा हुआ है या पूरे रूरूगंज का बड़ा हुआ है। तो उनकी बहादुरी को हम दाद देते हैं। जब उन्होंने वीडियो बनाना शुरू की तब अधिकारी वहाँ से भागे। तो आज अधिकारी जबरदस्ती इन जिला पंचायत सदस्यों की प्रताड़ना कर रहे हैं और जिनकी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे उस प्रत्याशी को पुलिस खुद लेके गई और उन्हें हैंडओवर कराई। जब पुलिस जिला पंचायत सदस्यों को पकड़ने लगेगी तो आप बताओ देश में कहां प्रजातंत्र बचेगा। जिस जनता ने चुनाव जिताया है ये गलत फहमी में है। हम इन्हें आप लोगों के द्वारा आगाह करना चाहते हैं कि 2022 में अखिलेश जी की सरकार बन रही है और जितने ही प्रशासन ये गुंडागर्दी और जबरदस्ती इनके साथ जिला पंचायतों के साथ करेगा, लेकिन वो जनता जिसने चुनाव जिताया है वो उतनी ज्यादा आक्रोशित होके 2022 में एक तरफा सरकार बनाएगी। और जब एक तरफा सरकार बन जाएगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि इन सारे अधिकारियों की सूची बना लेना और जितने भाजपा के नेता जो जो बदमाशी कर रहे हैं उनकी सूची बनाकर इन्होंने हमें कार्य करने का तरीका सिखाया है। जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है। जो आज हम लोगों पे ये उपयोग कर रहे हैं इसी पुलिस प्रशासन का, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि सरकारें बदलती रहती हैं, कल उन्हें भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस प्रशासन तक बहरी भूमि सरकार तक आप लोगों के द्वारा ये आवाज पहुंचे कि ईमानदारी से चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के दोनों चुनाव करा दें। इसी में इस सरकार की अधिकारियों की भलाई है। समाजवादी पार्टी जिला पंचायत में जनादेश है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। उस जनादेश से बीजेपी पूरे प्रदेश में बौखलाई हुई है और औरैया में भी वही का है, क्योंकि जनादेश समाजवादी पार्टी के साथ है। जब यहाँ 23 मेंबर हैं 13 मेंबर समाजवादी पार्टी के जीते हुए हैं और उनके पास 5 मेंबर हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि जब 13 मेंबर समाजवादी पार्टी के हैं 5 मेंबर बीजेपी के पास हैं, वो 8 मेंबर तोड़ के प्रशासन का सहयोग कर रहा है, ये करके तो लाएंगे यही जनादेश को चैलेंज करके और प्रशासन के सहयोग से गुंडई करके ये करना चाहते हैं। तो सीधा सा उदाहरण है कि 5 से आप 13 कैसे होंगे, आप गुंडई करेंगे, आप जबरदस्ती सदस्यों के यहाँ छापा डाल रहे हैं। अभी एक हमारा सदस्य है रूरू कला का, उसके घर पर नापतौल हो रही, कोई भी सदस्य ऐसा बचा नहीं जिसके खिलाफ कार्रवाई ना की जा रही हो, उनके घर पर छापा ना पड़ रहा हो। सही बात है, चूंकि यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के बीजेपी के नेता पूरे क्षेत्र में दबाव बना रहे, जब खुली सी बात है कि 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर से ज्यादा आप करेंगे वो समाजवादी मेंबरों को तोड़ने का मुकदमा, एक मेंबर बेला क्षेत्र का था विदुना प्रथम का, उसके यहाँ बेला एसओ स्वयं उसको लेके, विदुना सीओ स्वयं उसको लेके, यहाँ के जो सांसद हैं प्रेमदास रामशंकर कठेरिया जी उनके घर पर जाकर देते हैं। तो ये बताइए खुली चुनौती है कि नहीं है। और वहाँ के बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उसको पकड़ कर और अपने यहाँ बंद करके रखते हैं। पूरा प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस जनादेश को चैलेंज करके और उनको न जाने जाए, भाजपा का हम जिला पंचायत अध्यक्ष बना दें। मैं ये कतई हरकत नहीं होने दूंगा। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, ये खून बहे सड़कों पर चल लाठी चढ़ कर, मैं इसका विरोध करूंगा। मैं कतई मानने वाला नहीं। हमारे साथ जिले के सारे नेता मेरे साथ हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि अत्याय और अन्याचार के मौन नहीं बैठना है, उसका डट के जवाब देना है कोसी भी कीमत में। हम लोग तैयार नहीं, हमें अगर छेड़ेंगे तो हम लोग सड़क में उतरेंगे नहीं मानेंगे। से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देशन पर जो जिले की समिति थी, माननीय प्रदीप यादव जी, प्रेमदास कठेरिया जी, साथ जो जिले की समिति थी, इनकी समिति चयन होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रवि दोहरे को समाजवादी पार्टी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया। कोई भी कितनी भी अड़चने आए
क्योंकि अत्याचार कितना भी हो, समाजवादी पार्टी अत्याचार से डरने वाली नहीं है, इसका डटकर मुकाबला करेंगे। ये शासन कितना भी अपने जुल्म कर ले, हम लोग कतई नहीं मानेंगे। अगर हम लोगों की झांसी हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आज ही मैं बताता हूँ। जिला प्रशासन जिस तरीके से वर्क कर रहा है, उन्हें आपको संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल गलत। ये जिला प्रशासन, आप ये समझिए, भाजपा की नेताओं का कठपुतली बना हुआ है, ये भाजपा के नेताओं का कठपुतली बना हुआ। एक बताइए, एक ऐसे मेंबर को उठा के ले जाएगा, एक SDM उसकी घर की नापजोक करने जाएंगे? मैं फिर बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, समाजवादी मेंबरों को अगर वो घर नाप तो नाप रहे हैं, फीता डाल रहे हैं, जिस दिन सरकार समाजवादियों की बनी उसी दिन उन अधिकारियों के घर समाजवादी भी नहीं, उनके वो तैयार रहे अपने घर नपाने के लिए। वो किसी भी कीमत में अगर हम लोगों का अत्याचार होगा उसका मैं जवाब दूंगा। तो अगर समाजवादियों को फर्जी जेल मुकदमा डालने का है, जो भी अधिकारी उनके कहने पर ये भीता नाम रहा है, तो वो अपने घर नपाने के लिए भी तैयार रहे। जिस प्रकार से प्रशासन डटा रहूंगा, हर मेंबर मेरा डटा हुआ, उनके कुछ भी कितना जुर्म कर ले, समाजवादी मेंबर कतई नहीं टूटेगा, एक भी नहीं टूटेगा, जितना भी कितना प्रयास करेंगे। और समाजवादियों के ये कल्चर है, जितना इनको टॉर्चर करेंगे उतने ही ये मजबूत होंगे। गांव में जो मेंबरों ने समाजवादी पार्टी के मेंबरों को जिला पंचायत सदस्यों को जिताया, और वहां क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर हमारे मेंबर को किसी दल में दूसरे ले जाने चाहेंगे तो हम लोग उस मेंबर से बात करेंगे कि वोट समाजवादियों ने दिया है, BJP को कैसे तोड़ के ले जाएंगे। तो सारे क्षेत्र में आक्रोश, क्योंकि जनादेश समाजवादी पार्टी को दिया गया, तो इसलिए वो क्षेत्र की जो पब्लिक है वो आक्रोशित है कि उन्होंने कितनी मेहनत करके जनादेश दिया। आपके पास जनपद में 5 मेंबर हैं, आपके 2 सांसद हैं, आप मंत्री हैं, आपकी सरकार है, जनादेश ने आपने नहीं कर पाया, तो जनादेश आपके खिलाफ है। तो लिहाजी समाजवादी पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में जनादेश है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, ये कतई मुकालते बना रहे हैं। सरकार आती है और जाती है, इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, उसमें समाजवादियों पार्टियों ने आप लोगों ने देखा कोई ऐसा कुछ नहीं किया। इस तरीके से अगर करेंगे तो हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वो उनका बिल्कुल, चूंकि उनके संपर्क नहीं है, वो प्रशासन के द्वारा टॉर्चर करा के उन पर आपराधिक मुकदमा लगा के अपराधी बनाकर वो अपने संपर्क करना चाहते हैं। अगर आपके संपर्क, तो आपने उनको क्यों नहीं चुनाव जिताया, क्यों नहीं उनको आपने टिकट दी, आपके संपर्क हो गई थी, तो ये बिल्कुल निराधार गलत है। प्रशासन के सहयोग से वो करना चाहते हैं। कोई मेरी पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं टूटेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मेंबर एक एक कार्यकर्ता गांव में एक एक कार्यकर्ता मजदूरी लगाए कि कोई भी नहीं टूटने पाएगा। हम लोग जाएंगे कि वोट गांव के लोगों ने दिया है, गांव के लोगों ने वोट दिया है, तो गांव में वो जाके वो कहेंगे, जिन तोड़ना चाहते उनके घरों में लोग जाएंगे, जिन्होंने वोट करके जिताया है समाजवादी पार्टी को, वो नहीं टूटने देंगे। के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।